बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर सोशल स्टडी टीचर। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेक आउट योर सोशल स्टडी बुक विथ पेंसिल। ठीक है, टुडे वी विल डू द वर्क पेज ऑफ लेसन नंबर 3। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, आप लोग अपना होमवर्क रफ कॉपी में नोट कर लें और उसको जो है लर्न कर लें। ठीक है, दिस इज़ योर होमवर्क। लर्न लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ लेसन नंबर 2। ठीक है, आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 लेसन नंबर 2 लर्न करना है। जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उसको 5 टाइम आप लोगों ने राइट करना है। ओपन द बुक पेज नंबर 23। ठीक है, टुडे वी विल डू द वर्क पेज। वर्क पेज का जो एक क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड दीज वर्ड्स इन डिक्शनरी और इन इंसाइक्लोपीडिया। राइट द सेंटेंसेज टू एक्सप्लेन ईच वर्ड्स। ये मैंने किए हैं आप लोगों को, मैं बता रही हूँ कि फर्स्ट वन है बेदून। बेदून जो है किसको कहा जाता है? दे आर नोमेड ऑफ अरेबियन डेजर्ट, यानी अरेबियन डेजर्ट के जो हमारे पास नोमेड है यानी खानाबदोश लोग हैं जो एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं। सेकेंड वन सीरिको, इट इज़ द लोकल नेम ऑफ विंड इन मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी के ऊपर से जो हवाएं चलती है उसको सीरिको कहा जाता है। थर्ड वन आर ड्राई रिवर बेड्स इन डेजर्ट। डेजर्ट में जो ड्राई रिवर बेड्स होते हैं उसको जो है वादीज कहा जाता है। फोर्थ वन, नोमेड पीपल हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च पास्चर, जो अपने जहाँ पे अपनी पनाह के लिए लोग तलाश करते हैं और जाते हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी, जिस तरह आप लोग जानते हैं ना कि ये गुज्जर वगैरह जो दीर और स्वात और वहाँ से आते हैं यहाँ सर्दियों में, फिर गर्मियों में वापस चले जाते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड एज नोमैड। फिफ्थ वन, कैक्टिस। कैक्टिस इज़ अ डेजर्ट प्लांट। ठीक है, इट इज़ स्पाइनी प्लांट ऑफ ड्राई डेजर्ट। स्पाइनी का मतलब है कांटेदार, जिस तरफ पे कांटे होते हैं उसे कहा जाता है कैक्टिस। अब बी जो है, राइट द वर्ड बिलो इन अप्रोप्रिएट कॉलम्स, यानी हमारे पास ये टेबल है इसमें हमने ये जो वर्ड्स मैंने राइट किए हैं ना ये सारे इसमें हैं लेकिन बेतरतीब हैं, इसको मैंने एक तरतीब में लिखा है। क्लाइमेट हमारे पास डेजर्ट का किस तरह होता है? विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, वाइल्ड विंड। फिर लैंड, सैंडी, रॉकी, वादीज, ड्यून्स। वेजिटेशन, स्पाइनी, लीव्स, स्टेम्स, रूट्स, ये सारे हमारे पास यहाँ पर है, आप लोग सर्च कर लें। एनिमल्स जो है कौन कौन से हैं? स्नेक, कैमल, लेजर्ड एंड हेजहॉग्स। ठीक है, अब हमारे पास सी क्वेश्चन जो है, सर्कल द थिंग्स फाउंड इन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट विद ग्रीन इंक। जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में जो चीज़ें पाई जाती है उसको ग्रीन इंक से आप लोगों ने करना है, जो टेम्परेट फॉरेस्ट में उसको ब्लू इंक से, और जिसमें दोनों में पाई जाती है तो फिर दोनों कलर से करना है, हाफ जो है ग्रीन से, हाफ जो है वो ब्लू से। लेकिन ये तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए, टी जो है ये टेम्परेट है, ई जो है हमारे पास इक्वेटोरियल है। अ लॉट ऑफ सनशाइन, ठीक है, फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स, ठीक है, अननेम्ड स्पीशीज, ठीक है, मिलियंस ऑफ स्मॉल इंसेक्ट्स, ठीक है, हॉट क्लाइमेट, हॉट वेटलैंड्स और पिग्मीज। ठीक है, ये हमारे पास जो है किस में पाए जाते हैं? इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में होते हैं। फिर जो हमारे पास है अल्पाइन ट्रीज, ठीक है, फिर सेकंड वन एनिमल्स विद फर्स, ठीक है, हैवी रेनफॉल, कूल क्लाइमेट, कॉनिफ्रस ट्रीज, स्नो शूज, लॉन्ग रूट्स, फ्रोजन रिवर्स और ओवर 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। ये जो है हमारे पास टेम्परेट फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। जो टी मैंने राइट किया है ये आप लोगों ने टेम्परेट के लिए यूज़ करना है, जो ई मैंने राइट किया है तो ये जो है हमारे पास इक्वेटोरियल में होते हैं। ठीक है, टर्न द पेज नंबर 24 पे आप लोग आए। डी क्वेश्चन, कंप्लीट डी सेंटेंसेस। फर्स्ट वन है, ट्रीज इन अल्पाइन फॉरेस्ट डू नॉट ग्रो वेरी टॉल बिकॉज, यानी अल्पाइन फॉरेस्ट में जो ट्रीज होते हैं वो ज़्यादातर टॉल लंबे नहीं होते बिकॉज ड्यू टू हॉट टेम्परेचर इन लिटिल रेनफॉल।
अब हमारे पास जो है रूट, सेकेंड वन, रूट्स ऑफ कोनिफरस ट्रीज हेल्प टू कीप द सॉइल फ्रॉम बीइंग वॉश अवे. ठीक है, ये जो है वहाँ पे उसको साफ करने के लिए होते हैं. थर्ड वन जो है हमारे पास है डेड ट्रीज एंड रेन फॉरेस्ट. जो रेन फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे जो पौधे मर जाते हैं, मतलब सूख जाते हैं, डू नॉट फॉल इन द ग्राउंड, ग्राउंड में नहीं गिरते, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू रीच द सनलाइट. वो कोशिश करते हैं कि सनलाइट उन तक पहुँच जाए. फिर फोर्थ वन है कि प्लांट्स द रेन फॉरेस्ट ग्रो फास्ट बिकॉज, तो हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं रेन फॉरेस्ट के वो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं. क्यों? क्योंकि फर्टाइल सॉइल मेक इट पॉसिबल फॉर प्लांट टू ग्रो क्विकली. वहाँ की सॉइल जो है वो काफ़ी फर्टाइल होती है. फिर फिफ्थ वन है कि एनिमल्स आर नॉट हंटेड फॉर दियर फर बिकॉज, यानी वहाँ के जो एनिमल्स होते हैं वो फर को हंट, शिकार नहीं करते. हंटेड का मतलब है शिकार नहीं करते. ठीक है, देयर आर लॉज टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ स्पीशीज, क्योंकि वहाँ पे ऐसे कानून आए हैं कि वो हिफाजत कर सके जो हमारे पास वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं. ठीक है, उसकी. तो ये हमारे पास था वर्क पेज. अब जो है हमारे पास पेज नंबर 22 है, हमारे पास ये क्वेश्चन आंसर्स हैं. ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन इस लेसन के जो है करवाऊंगी, जो हमारे पास पेज पे मैंने राइट किए हैं. पहले मैं आप लोगों को राइट करवाती थी, लेकिन अब जो है बस आप लोग तरीका सीख चुके होंगे. इसमें है हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन. इसी तरह आप लोगों ने पेज रेडी करना है. ठीक है, और इसी तरह डेट सब कुछ राइट करना है. ठीक है, यहाँ पे डबल मार्जिन लाइन लगाएंगे, जो ब्लैक कलर से मैं लिख रही हूँ ये आप लोगों ने ब्लू मार्कर से, इंग्लिश मार्कर से लिखना है. ठीक है, इसी तरह अंडरलाइन करना है. जो एरो मैं लगा रही हूँ तो आप लोगों ने लाइन छोड़नी है. फर्स्ट वन है लेसन नंबर 3, टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन. इसी तरह हेडिंग देनी है रफ कॉपी में, नीट नोटबुक पर आप लोगों ने काम नहीं करना, रफ नोटबुक पर काम करना है. जब आप लोग स्कूल आएंगे इंशाल्लाह तो फिर नीट नोटबुक पर काम होगा. ये आप लोगों की लर्निंग के लिए है. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर कॉन्टिनेंटल डेजर्ट, यानी हमारे पास कॉन्टिनेंटल डेजर्ट क्या है, हाउ आर दे फॉर्म्ड और ये किस तरह बनते हैं. आंसर जो है हमारे पास है, इन सम प्लेसेस विंड्स डू नॉट ब्रिंग रेनी क्लाउड्स, यानी हमारे पास कुछ इलाके ऐसे हैं जो रेनी क्लाउड्स नहीं लाते, जिसमें वाटर वेपर्स होते हैं. सो फॉर इनलैंड दैट एरिया टर्न इन टू डेजर्ट, तो जब बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, वो एरिया जो है वो डेजर्ट में चेंज हो जाएगा. दीज डेजर्ट आर द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट, और ये डेजर्ट जो कॉन्टिनेंट के मिडल में होता है उसको कहा जाता है कॉन्टिनेंटल डेजर्ट. ठीक है, तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 था. और फिर जब 1 फिनिश कर ले क्वेश्चन, तो उसके नीचे जो है आप लोग फिनिशिंग लाइन लगा दें उसके साथ. ठीक है, अब जो है ये आज हमारे पास वर्क पेज था और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 था. ठीक है, नेक्स्ट उसमें मैं आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस 2 करवाऊंगी और लॉन्ग क्वेश्चंस. थैंक यू.